क्वेश्चन थ्री, फाइंड इंटेग्रल सरफेस ऑफ एक्स वाई माइनस जेड पी प्लस जेड वाई जेड माइनस एक्स क्यू जेड एक्स माइनस वाई पासिंग थ्रू द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड. द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई माइनस जेड पी प्लस वाई जेड माइनस एक्स क्यू जेड एक्स माइनस वाई. इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज डी एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस जेड डी वाई अपॉन वाई जेड माइनस एक्स डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस वाई. ईच रेशियो ऑफ वन इज डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन जीरो. इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो. डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो. एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन. सिमिलरली ईच रेशियो ऑफ वन इज डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल अपॉन जीरो. जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो. Therefore, dx upon x plus dy upon y plus dz upon z equal to 0. Integrating log x plus log y plus log z equal to log c2. इसका फॉर्मूला क्या होता है? Log m plus log n is log m into n. हमारे पास तीन टर्म्स हैं तो x, y, z. Log c2. Log के साथ log कैंसिल, बट हमें कैंसिल करके नहीं दिखाना होता, ये अंडरस्टूड होता है. आपने ऐसे कैंसिल करके नहीं दिखाना है. सो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू. दस इंटेग्रल सरफेस ऑफ गिवन इक्वेशन आर जनरेटेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी वन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू. इक्वेशन टू, पैरामीटर क्या गिवन थे हमें? एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड. तो हमने एक्स को लेट कर लिया टी, सो वाई भी टी जेड इक्वल टू भी टी. यहाँ पे हमने पुट कर दिया टी प्लस टी थ्री टी इज इक्वल टू सी वन. टी क्यूब इज इक्वल टू सी टू. टी की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी, क्या आ जाएगी? सी वन अपॉन थ्री का क्यूब इज इक्वल टू सी टू. सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 27 सी टू. सी वन एंड सी टू की वैल्यू पुट कर दी, विच इज ए रिक्वायर्ड इंटेग्रल सरफेस.